अगर आपने अभी तक हमारा सैम गुंडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा कर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको बेल आइकन दबाकर उसकी नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम गुंडे। आज हम बात करेंगे जियो फोन में गूगल असिस्टेंट के बारे में। आपको पता ही होगा कि गूगल ने जो स्मार्टफोन फीचर है, जो फीचर फोन है, इसमें बहुत 24 अगस्त को बुकिंग चालू कर दी थी। बहुत सारे ऐसे बुकिंग हो चुकी थी, उनकी साइट भी कुछ समय के लिए बंद कर दी गई थी। अभी तक वो जो उसकी बुकिंग दोबारा से शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन उसके इतना क्रेज ही है इस फोन का कि अभी तक यूजर को फोन मिल रहा है, कुछ इंतजार कर रहे हैं कि कब साइट ओपन हो जाए और हम कब फोन ले पाए। लेकिन अब एक और उसमें कुछ मददगार हो सकता है, ये फीचर जो गूगल असिस्टेंट है उसका जियो फोन में आ सकता है कुछ। तो ये अभी तक क्लियर नहीं है कि पुराने फोन में भी आएगा या नए फोन में भी, जो नए फोन यहाँ से आ जाएंगे उसमें आ जाएगा। इसकी मदद से आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो भी आप लिखकर करते थे, आप सिर्फ आपको बोलकर करना पड़ सकता है। तो ये फोन आपको गूगल असिस्टेंट में क्या क्या मिलने वाला है, आप फोन कॉल्स बोलकर लगा सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, आप म्यूजिक या वीडियो प्ले कर सकते हैं और वैसे कुछ काम कर सकते हैं, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं अधिक का, जैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ अपनी आवाज के जरिए आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं या बता सकते हैं। वैसे तो असिस्टेंट जो गूगल का जो फोन में एक पहले से भी इंस्टॉल था, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं थे, कुछ लिमिटेशन थे। लेकिन अब जो गूगल असिस्टेंट है उसके साथ आने के बाद उसका बहुत सारे ऐसा काम और भी आसान हो गया है जो आप करना चाहते हैं। तो इसकी मदद से आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो आप, जो गूगल असिस्टेंट के जरिए आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो कि उसके सीमित जो दायरा है वो बहुत बढ़ने वाला है। क्योंकि पहले गूगल में एक असिस्टेंट था, फीचर था जो आप वॉइस के जरिए आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते थे, उसमें प्री इंस्टॉल था। लेकिन अब गूगल का वॉइस असिस्टेंट आ गया है, इसकी मदद से आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं। ये छोटी सी अपडेट थी जियो फोन के लिए। तो अभी तक सैम मुंडे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सैम मुंडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं फ्रेंड, मिलते हैं ऐसे ही मोबाइल के अपडेट में।